बांस मानव जाति द्वारा उपयोग की जाने वाली पारंपरिक निर्माण सामग्री है। बांस में लकड़ी, ईंट या कंक्रीट की तुलना में कंप्रेशन अधिक होता है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी स्टील के बराबर होती है। ये निर्माण सामग्री का एक बेहतर विकल्प है जो पर्यावरण के अनुकूल, सस्टेनेबल, नवीकरणीय और व्यापक रूप से उपलब्ध है। दुनिया भर में लकड़ी की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन लकड़ी की आपूर्ति कम हो रही है। बांस का अपने गुणों के कारण निर्माण कार्यों में लकड़ी और अन्य सामग्रियों की जगह इस्तेमाल शुरू हो गया है। पहले केवल गोल बांस का इस्तेमाल निर्माण सामग्री के तौर पर किया जाता था, पर अब रासायनिक तरीके से उपचारित बांस से कई तरह की निर्माण सामग्री का औद्योगिक उत्पादन शुरू हो गया है। साथ ही निर्माण कार्यों में बांस के बेहतर इस्तेमाल पर नए अनुसंधान भी किए जा रहे हैं। अब बांस से फर्श की टाइल्स, दरवाजे और दरवाजे के फ्रेम, खिड़की के फ्रेम और खिड़की, दीवार के पैनल, कोरोगेटेड शीट्स यानी छत के लिए नालीदार चादर आदि बनाई जाने लगी हैं। ग्रीन बिल्डिंग के बढ़ते प्रचलन के साथ ही ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल का उपयोग बढ़ा है। लकड़ी और अन्य संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए तथा ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए बांस की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही समय है कि हम भी बांस से बनी निर्माण सामग्री का उपयोग बढ़ाएं या इसका निर्माण करें और बेचकर लाभ कमाएं। बांस से कई तरह के इंजीनियर्ड बैम्बू बनाए जाते हैं, जैसे कि बैम्बू मैट बोट, स्ट्रैंड वुवेन बोट, बैम्बू स्ट्रिप बोट, बैम्बू पार्टिकल बोट और बैम्बू वीनियर। इंजीनियर्ड बैम्बू का रूप और बनावट किसी भी अन्य लकड़ी के समान ही होती है। इससे बनी भवन निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और मजबूती लकड़ी से अधिक होती है। बैम्बूसा बल्कुआ, बैम्बूसा न्यूटन्स और बैम्बूसा पॉलीमोर्फा बांस कंस्ट्रक्शन और निर्माण कार्यों के लिए आदर्श माना जाता है। अन्य लकड़ी के पेड़ों की वृद्धि में जहां दशकों लग जाते हैं, वहीं बांस 3 से 5 वर्षों में ही परिपक्व हो जाता है। साथ ही इसका वाटर रेसिस्टेंट, रिसाइकलेबल तथा दीमक रोधी होना इसको विशेष बनाता है। निर्माण कार्यों के लिए बांस 3 से 5 वर्ष का होना चाहिए और साथ ही शुष्क मौसम में कटा होना चाहिए। बांस कटने के बाद सूरज, नमी और बारिश से बचाकर रखा गया हो और वो सही तरीके से उपचारित हो। तो बैम्बोर्ड से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, जैसे कि फ्लोरिंग हो गया जो इंटीरियर्स के लिए अच्छा, बहुत ही बेट अच्छा प्रोडक्ट है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी इज़ वेरी गुड। फिर हम वॉल क्लैडिंग बनाते हैं जो आपका ऑडिटोरियम्स, मीटिंग हॉल्स, रेजिडेंशियल सब जगह में यूज़ होता है, इसका गुड एकोस्टिक प्रॉपर्टीज़ भी है। फिर हमारा आ जाता है डोर और डोर फ्रेम्स, जो एक बेसिक नेसेसिटी है जब एक घर बनता है या कोई अपार्टमेंट बनाता है या एनी काइंड ऑफ अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। सो डोर फ्रेम और डोर हमारा मेन पार्ट ऑफ आर सेगमेंट है। और फिर हमारा आ जाता है फर्नीचर सेगमेंट, जहाँ पे हम हर टाइप के फर्नीचर्स बनाते हैं, रेजिडेंशियल हो या चाहे ऑफिशियल या इंस्टीट्यूशनल टाइप के फर्नीचर्स हो, हम सब टाइप के बनाते हैं। बांस से कई तरह के इंजीनियर्ड बैम्बू बनाए जाते हैं, जैसे बैम्बू मैट बोर्ड, बैम्बू लेमिनेटेड बोर्ड और बैम्बू वुड। बैम्बू लेमिनेटेड बोर्ड और बैम्बू वुड बनाने की प्रक्रिया लगभग समान है, सिर्फ अंतिम दबाव की प्रक्रिया में अंतर है। जैसे हॉट प्रेस करने पर बैम्बू लेमिनेटेड बोर्ड या बैम्बू स्ट्रिप बोर्ड और कोल्ड प्रेस करने के बाद बैक करने पर बैम्बू वुड यानी कि बैम्बू स्टैंड वुवेन बोर्ड बनता है। बैम्बू मैट बोर्ड प्लाईवुड बोर्ड की तरह ही होता है। मैट बोर्ड को पैनल, पैनल डोर, छत, पार्टीशन वॉल इत्यादि के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बैम्बू मैट से कोरोगेटेड शीट भी बनाई जाती है। बैम्बू लेमिनेटेड बोर्ड और बैम्बू वुड से फर्श के लिए टाइल्स, वॉल पैनल, दरवाजे और दरवाजे के फ्रेम इत्यादि बनाए जाते हैं। बैम्बू मैट बनाने के लिए इकाई स्थापित करने के लिए लगभग 3.5 करोड़ की लागत आती है। इससे प्रतिवर्ष 1.29 करोड़ शीट्स बनाई जा सकती हैं।
इसी अनुपात में छोटी इकाई भी स्थापित की जा सकती है। बेम्बू वुड या बेम्बू लेमिनेटेड बोर्ड बनाने के लिए 4 से 5 करोड़ की प्राथमिक लागत तथा इससे निर्माण सामग्री बनाने के लिए 40 लाख या अधिक की जरूरत पड़ती है। बेम्बू वुड और जनरल हार्डवुड जो होता है उसमें बहुत डिफरेंसेस है, क्योंकि आजकल आपको मैच्योर्ड वुड मिलने का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। आप जब भी कोई डिपो में जाएंगे लोग बोलेंगे कि आपको ये मैच्योर्ड वुड है, बट देर इज़ नो गारंटी दैट द आइटम इज़ मैच्योर्ड बिकॉज यू हैवन सीन इट कि वो कब कटा है, कितना साल पुराना है, यू डोंट नो इट। पर हमारा जो बैम्बू वुड है वी आर ओनली मैन्युफैक्चरिंग वन पर्टिकुलर क्वालिटी एंड ऑफ वन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। हमारा 3-4 वेराइटी का होता ही नहीं है और हम जो यूज़ करते हैं वो 3 से 4 साल का बम्बू यूज़ करते हैं, एकदम मैच्योर्ड क्वालिटी का। तो इसलिए हमारा जो क्वालिटी है बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है, प्लस हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, इंटेंस ट्रीटमेंट करते हैं प्रायर टू फर्दर प्रोसेसिंग। तो इस ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है बैम्बू में वो मर जाते हैं। एक प्रोसेस होता है कार्बनाइजिंग, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कैरमलाइज हो जाते हैं, एंड और एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है बॉइलिंग करके। दो अलग अलग टाइप के वो है, हम कोई भी एक कर सकते हैं, ऑल्दो हम दोनों करते हैं अलग अलग। सो दो ऑप्शंस होते हैं, सो दोनों का फंक्शन एक ही है, पर्पस एक ही है। सो इसलिए हमारा जो लकड़ी का जो लास्टिंग है, लॉन्जिविटी है, इट इज़ मच मोर देन गुड क्वालिटी हार्डवुड। आपका इसका अगर आप कंपेयर करेंगे साल के साथ या टीक के साथ या अब वर्ल्ड लेवल में भी आप कोई भी लकड़ी के साथ अगर कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस, स्ट्रैंड वोवन का जो हार्डनेस है, जनका हार्डनेस बोलते हैं उसको, इट्स सिग्निफिकेंटली हायर देन बेस्ट क्वालिटी दैट हार्डवुड दैट यू कैन फाइंड इन द मार्केट। सो यही इस आइटम का प्लस पॉइंट है। एंड एज फार एज कॉस्टिंग इज कंसर्न, कॉस्टिंग कम मोर और लेस सेम ही है। तो प्लस सो लाइक यू कैन सी यूएसपी उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, टर्माइट प्रूफ, बोरर प्रूफ है, फायर रिटार्डेंट है, वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट है। सो दीज आर लाइक वेरी गुड थिंग्स। एंड देन देर इज अनदर प्लस पॉइंट इज दिस डेंसिटी, बिकॉज इट्स अ वेरी हाईली डेंस कॉम्पैक्ट फाइबर है। तो एक बार प्रेस हो गया तो इट्स वेरी हार्ड, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है इसका, स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर हार्डवुड मटेरियल। अब हम बांस से स्टैंड वुवेन बोर्ड या बेम्बू वुड बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे। स्टैंड वुवेन बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले चुने हुए बांस के कलम की क्रॉस कटिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में क्रॉस कटिंग मशीन के उपयोग से बांस की कलम को जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद बांस की कलम को मशीन के माध्यम से समान और सपाट पट्टियों यानी स्ट्रिप्स में विभाजित किया जाता है। अब इन बांस की पट्टियों की प्राथमिक रूप से नोड और स्किन हटाई जाती है। इस प्रक्रिया को प्राइमरी बैम्बू नोड एवं स्किन रिमूवल कहा जाता है। इसके लिए स्ट्रिप्स के दोनों साइड यानी बांस की बाहरी चिकनी लेयर और भीतरी गांठ को हटाकर सपाट कर दिया जाता है। अगली प्रक्रिया है सेकेंडरी बेम्बू नोड एंड स्किन रिमूवल। इसमें फिर से बचे हुए नोड एवं स्किन को हटाया जाता है। इसके बाद इन स्ट्रिप्स को क्रश करके फाइबर स्वरूप में बदला जाता है, जिसे फाइबर क्रशिंग कहते हैं। क्रशिंग के बाद इन्हें छांटकर कार्बोनाइजेशन के लिए भेजा जाता है। कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया के तहत बांस के स्ट्रिप्स को ब्लीचिंग के मिश्रण के साथ भट्टी में गर्म किया जाता है। कुछ जगहों पर कार्बोनाइजेशन के दौरान अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है।
अगली प्रक्रिया है इन बेम्बू फाइबर्स को सुखाना, जिसे सन ड्राइंग कहते हैं। फिर इन बेम्बू फाइबर्स को स्टीम ड्रायर से गुजारकर पूर्ण रूप से सुखाया जाता है। अब अगले चरण में इन बेम्बू फाइबर्स के समूह को उच्च गुणवत्ता वाले पर्यावरण के अनुकूल गोंद का उपयोग कर चिपकाया जाता है। इसके लिए इन बेम्बू फाइबर्स को ग्लू लगाकर मोल्ड में डाल दिया जाता है और उसके बाद मोल्ड में रखे इन बेम्बू फाइबर्स को प्रेस के माध्यम से बेम्बू वुड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद बेम्बू वुड का बीम उत्पाद प्राप्त होता है। इसके बाद इन बीमों की फोर एंड फिनिशिंग की जाती है। फिर इनको उत्पाद बनाने के लिए स्लाइसिंग कर प्लैंकस बनाए जाते हैं। इसके बाद इन प्लैंकस की सरफेस सैंडिंग कर इनके विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। पूरी उत्पादन प्रक्रिया में गुणवत्ता निरीक्षण की आवश्यकता होती है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि बेम्बू वुड मजबूत और अच्छे रूप में बने। लैमिनेटेड वुड एक अलग स्ट्रक्चर का होता है और जो हमारा स्ट्रैंड वोवन है वो अलग स्ट्रक्चर होता है। दोनों का टेक्सचर अलग होता है और फिनिश भी अलग होता है। इन स्ट्रैंड वोवन का मैं अगर कंपेरिजन करो इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, स्ट्रैंड वोवन का जो स्ट्रेंथ है इट्स मच मोर देन लैमिनेटेड या स्ट्रिप बेस्ड बैम्बू बोर्ड्स जो बनते हैं, क्योंकि ये वोवन होता है। सिंस इट इज़ वोवन उसका जो स्ट्रेंथ है इट ऑटोमेटिकली राइजेस, बढ़ जाता है। सो इन दैट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिसिटी आपका स्ट्रेंड वोवन बैम्बू वुड का आपका स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हार्डनेस इज मच मोर हायर देन द स्ट्रिप बेस्ड बैम्बू बोर्ड और लैमिनेटेड बोर्ड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। अब हम बांस के मैट बोर्ड से बनने वाले उत्पादों के बारे में जानेंगे। बांस के स्लाइवर से मैट बनाकर उसको रेजिन की सहायता से निर्धारित तापमान और दबाव में रखकर मैट बोर्ड बनाया जाता है। इन मैट बोर्ड्स का इस्तेमाल विभिन्न निर्माण सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग पैनल, पैनल डोर, छत, पार्टीशन वॉल इत्यादि के रूप में किया जा सकता है। मैट को सांचे में दबाकर कोरूगेटेड शीट बनाई जाती है। बांस से बनी ये नालीदार चादर वजन में हल्की होती है और साथ ही इनमें अच्छा इंसुलेशन भी होता है। अपने इंसुलेशन गुण के कारण ये चादरें आवश्यकता के अनुसार कमरे को गर्म या ठंडा रखने में सक्षम होती हैं। बांस का उपयोग निर्माण क्षेत्र में बखूबी किया जा सकता है। बांस से बनने वाली तरह तरह की निर्माण सामग्री जैसे कि बेम्बू मैट बोर्ड और बेम्बू वुड और बेम्बू लेमिनेटेड बोर्ड बनाने की इकाई स्थापित की जा सकती है। इसके अलावा इन निर्माण सामग्रियों से उत्पाद जैसे कोरूगेटेड शीट, पैनल, पैनल डोर, छत, पार्टीशन वॉल और फर्श के लिए टाइल्स, वॉल पैनल, दरवाजे और दरवाजे के फ्रेम में से किसी भी एक या अधिक तरह की निर्माण इकाई स्थापित कर रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही निर्माण क्षेत्र में सामान की उपलब्धता करवाकर आप इसकी वैल्यू चेन को मजबूत कर लाभ कमा सकते हैं। बांस से बनने वाली निर्माण सामग्री का उत्पादन और प्रयोग हालांकि उत्कृष्ट है, पर इसका उपयोग अभी प्राथमिक चरण में है, अतः अन्य सामग्रियों के अनुपात में महंगा है। इसका व्यापक उत्पादन होने तथा उपयोग को प्रोत्साहित करने पर इसकी लागत कम हो जाएगी और मांग भी बढ़ेगी।